हेलो एवरी वन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम शाहिद खान एंड यू आर वॉचिंग पीपल्स अकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड अ वीडियो सीरीज ऑन एम ए पोलिटिकल साइंस एंट्रेंस सॉल्व पेपर्स, एंड दिस इज द यू नो सेकेंड पेपर दैट वी आर डिस्कसिंग, कश्मीर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस पेपर 2021। एंड इसका ऑलरेडी दो पार्ट्स आ चुके हैं, सो दिस इज द थर्ड पार्ट। एंड लेट मी टेल यू पीपल दैट वी आर फिनिशिंग दिस पेपर टुडे। सो हम रिमेनिंग 30 क्वेश्चन को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। देर इज़ नो फोर्थ पार्ट ऑफ दिस यू नो दिस एम सी क्यू सीरीज। सो आज ही हम इस पेपर को कम्प्लीट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड मैं आपको बता दूँ कि दो क्वेश्चन इसमें मैंने ड्रॉप किए हैं आउट ऑफ 30 क्वेश्चन, बिकॉज वो दो क्वेश्चन थोड़े से कन्फ्यूजिंग लग रहे हैं। या तो वो क्वेश्चन यू नो ओमिट हुआ है बाद में, या फिर कुछ ऐसा है, क्योंकि बहुत सारी किताबों को मैंने देखा, आई डिडेंट यू नो फाइंड दैट क्वेश्चन एग्जैक्टली। सो इसलिए दो क्वेश्चंस ड्रॉप्ड हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दिस इज आर पीडीएफ दैट वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज, एंड ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड टिल क्वेश्चन नंबर 30। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फिलोसोफर एंड द आइडिया रिगार्डिंग पॉलिटिक्स इज ऑड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमें ऑड बताना है, यानी कि जो मैच नहीं कर रहा है किसी पॉलिटिकल फिलोसोफर के आइडियाज से। तो सबसे पहले मैं आपको इसका करेक्ट आंसर ही बता दूँ, जो ऑड है तो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। रॉबर्ट डाल ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज नहीं कहते हैं, ये कहा गया है डेविड ईस्टन के द्वारा। डेविड ईस्टन कहते हैं पॉलिटिक्स को, इन्होंने डिफाइन किया है एज ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। अब ये आप याद रखेंगे, एंड रॉबर्ट डाल का ये नहीं है कॉन्सेप्ट, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। बाकी एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स को मास्टर साइंस कहा है, एंड लासवेल की ये किताब है हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, एंड मैक्स वेबर का वोकेशन कॉन्सेप्ट है। तो ये तीनों जो हैं मैच्ड हैं, बट द ऑप्शन डी इज़ इनकरेक्टली मैच्ड। ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज इज एक्चुअली डेविड ईस्टन्स कॉन्सेप्ट, ये पॉलिटिक्स को डिफाइन करते हैं इस ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। एंड दिस वाज क्वेश्चन नंबर 31। एंड क्वेश्चन नंबर 32 इज हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद मेकिंग अ डिस्टिंक्शन बिटवीन थियोरेटिकल एंड अप्लाइड पॉलिटिक्स। एंड थियोरेटिकल अप्लाइड पॉलिटिक्स में किसने डिफ्रेंशिएट किया पहली बार? सो लेट मी टेल यू द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फ्रेडरिक पोलॉक। सो इन्होंने थेरेटिकल एंड अप्लाइड पॉलिटिक्स को डिफ्रेंशिएट किया, एंड सिंपली थेरेटिकल पॉलिटिक्स इज रिगार्डिंग थेरीज, ओके, रिगार्डिंग थेरीज ऑफ स्टेट, थेरीज ऑफ गवर्नमेंट, बट अप्लाइड पॉलिटिक्स इज द एक्शन, यू नो द फंक्शनिंग पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, हाउ गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग, हाउ स्टेट इज फंक्शनिंग, वट आर द यू नो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, वट आर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट दैट आर इन एक्शन। तो जो एक्चुअल फंक्शनिंग पार्ट है वो अप्लाइड पॉलिटिक्स में आता है, एंड थेरेटिकल पार्ट है वो थेरेटिकल पॉलिटिक्स में आता है, लाइक थेरीज ऑफ स्टेट, थेरीज ऑफ गवर्नमेंट, थेरीज ऑफ पावर, थेरीज ऑफ यू नो डेमोक्रेसी। तो द थेरेटिकल पार्ट इज यू नो इन थेरेटिकल पॉलिटिक्स, एंड द अप्लाइड पार्ट इज द फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिक्स। सो दिस इज ऑप्शन नंबर सी विच इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 33, दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सपोनेंट ऑफ फिलोसॉफिकल अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, सिजविक। सो ही इज नॉट यू नो एक्चुअली द आई वुड से एक्सपोनेंट ऑफ फिलोसॉफिकल अप्रोच। फिलोसॉफिकल अप्रोच में पॉलिटिकल साइंस में किस पे ज़्यादा यू नो इन्होंने फोकस किया, दैट इज वैल्यूज। एंड सेबाइन, प्लेटो, हीगल ऑल बिलोंग टू द फिलोसॉफिकल अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 34, दैट इज अकॉर्डिंग टू विच थेरी द स्टेट इज अ ग्राउथ एंड एवोल्यूशन द रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल प्रोसेस रनिंग थ्रू आउट ऑल। तो ये जो थेरी है स्टेट की, ये है हिस्टोरिकल इवोल्यूशनरी थेरी, ऑप्शन नंबर बी। हिस्टोरिकल इवोल्यूशनरी थेरी ही कहती है कि स्टेट इज अ ग्राउथ एंड इन रिवोल्यूशन रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो स्टेट क्या है, स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल प्रोसेस में क्या हुआ है, इसकी ग्राउथ हुई है, इट्स नॉट समथिंग के जो सडनली बन गया, ओके। अब बाकी की दो थेरीज हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। द फर्स्ट वन इज डिवाइन राइट थेरी, डिवाइन ओरिजिन थेरी। यहाँ पे कहा जाता है कि स्टेट इज क्रिएटेड बाय गॉड। सबसे पहले आप याद रखेंगे, स्टेट इज क्रिएटेड बाय गॉड अकॉर्डिंग टू डिवाइन राइट थेरी ऑफ किंग्स, डिवाइन ओरिजिन थेरी, या फिर इस तरह से भी आप कह सकते हैं। एंड
किंग इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, किंग इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, यानी कि स्टेट गॉड ने बनाया है एंड किंग जो है उसका रिप्रेजेंटेटिव है, गॉड का रिप्रेजेंटेटिव, एंड ही इज ओनली आंसरेबल टू गॉड. सो दिस इज डिवाइन ओरिजिन थ्योरी. एंड सेकेंड हमारे पास है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. तो इसमें ये कहते हैं कि भाई लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है एंड उस एग्रीमेंट, उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है स्टेट बनाया गया है. सो देर इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट एंड आफ्टर दैट कॉन्ट्रैक्ट द स्टेट केम इन टू एग्जिस्टेंस. इसमें मैं आपको बता दूं, आपके तीन फिलोसफर्स आते हैं, हॉब्स, लॉक एंड रोसो. ये तीन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरिस्ट हैं. सो मैं आपको बता दूं कि हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे आज ही एक वीडियो ले आने वाले हैं जिसमें हम जितने भी थिंकर्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस के रिगार्डिंग हैं, जो आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में इंपॉर्टेंट हैं. तो एक यू नो 1 आवर का रफली एक वीडियो होगा जिसमें सारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. एंड दिस वाज क्वेश्चन नंबर 34. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 35, विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैप्चर्स द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी. सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ लिबर्टीज. एक तो हमारे पास है नेगेटिव लिबर्टी एंड सेकेंड इज पॉजिटिव लिबर्टी. पॉजिटिव लिबर्टी, अब नेगेटिव लिबर्टी में क्या है कि पूरी फ्रीडम है इंडिविजुअल को, कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रेंट्स. इंडिविजुअल को पूरी फ्रीडम है एंड इसमें स्टेट रेयरली यू नो इंटरफेयर करेगा. लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी में स्टेट इंटरफेरेंस की बात की गई है कि स्टेट का एक पॉजिटिव रोल है, स्टेट का एक पॉजिटिव रोल है. ओके, तो स्टेट फॉर एग्जांपल, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो हम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं एक इंडिविजुअल की, दो इंडिविजुअल्स ले लेते हैं हम. एक इंडिविजुअल जो है फिजिकली बिल्कुल ही यू नो आप फिट है, लेकिन दूसरा जो इंडिविजुअल है दैट इज़ फिजिकली डिसेबल. ओके, सो यहाँ पे आप याद रखें द ग्रीन वन इज़ डिसेबल एंड द रेड वन इज़ फिजिकली फिट. तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई ऐसा यू नो स्टेट कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है किसी चीज़ की, फिजिकली फिट जो है ये आराम से वहाँ पे जाके वो चीज़ें ले सकता है, बट द डिसेबल कैन नॉट गो यू नो विदाउट एनी हेल्प. तो यहाँ पे स्टेट इस डिसेबल को हेल्प प्रोवाइड करेगा. तो स्टेट क्या कर रहा है, दोनों को लिबर्टी है वो चीज़ लेने की जो स्टेट प्रोवाइड कर रहा है, बट जो हमारे पास डिसेबल है इसको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए तो वो स्टेट इसको हेल्प प्रोवाइड करेगा. एंड दैट्स वाई द पॉजिटिव लिबर्टी क्या है कि इसमें स्टेट का एक पॉजिटिव रोल है. तो यहाँ पे आप समझेंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है Human consciousness postulates liberty. Liberty involves rights and rights demands the state. तो ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है इसका. पॉजिटिव लिबर्टी में एबसेंस और रिस्ट्रेंट्स कम्प्लीटली नहीं होती. गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्न्स द लीस्ट. तो यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट वही है जो लीस्ट गवर्न करती है, तो ये नेगेटिव लिबर्टी है. ओके, एंड इसी तरह से अथॉरिटी ऑफ स्टेट एंड लिबर्टी इंडिविजुअल आर अपोजिट टू ईच अदर. तो ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे, क्वेश्चन पे 36 हमारे पास. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इक्वालिटी. इक्वालिटी का कौन सा फीचर नहीं है यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूँ इक्वालिटी कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती. ओके, इक्वालिटी कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती. तो यही है इसका करेक्ट ऑप्शन. एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज है, एब्सेंस एडुकेट अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट, एब्सेंस ऑफ ग्रॉस इनइक्वालिटीज, ये तीनों हैं, लेकिन डी ऑप्शन जो है वो फीचर नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं हो सकती इक्वालिटी. ओके, ये आप याद रखेंगे. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 37. विच इज़ नॉट द फीचर ऑफ इलीटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी. तो इलीटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी की बात जब हम करते हैं तो हमें क्वेश्चन बताना है कि नॉट अ फीचर ऑफ इलीटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, मासेस मस्ट बी गिवन मोर वोट्स. तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये फीचर नहीं है इलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी का. बाकी जो फीचर आप देख रहे हैं वो इलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के हैं. इलिटिस्ट थ्योरी डेमोक्रेसी बोलती क्या है मैं आपको बता दूँ. तो यहाँ पे सबसे पहले आप याद रखेंगे कि इलिटिस्ट थ्योरी में ये कहते हैं कि देर आर टू काइंड ऑफ पीपल इन सोसाइटी. एक वो जो माइनॉरिटी में है, एक वो जो मेजॉरिटी में. एंड ये माइनॉरिटी ग्रुप जो है ये वो ग्रुप है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है एंड जो ज़्यादा यू नो इंटेलेक्चुअल्स हैं सोसाइटी में, एंड इन्हीं लोगों को इलीट्स कहा जाता है जो ये माइनॉरिटी में हैं, एंड बाकी मेजॉरिटी जो है इसको मासेस कहा जाता है.
तो इस तरह से सोसाइटी जो है डिवाइडेड है बिटवीन इलीट्स एंड मासेस, एंड इलीटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी में ये कहा गया है कि डेमोक्रेसी में जो रूल करेंगे वो इलीट्स होंगे, यही इलीट क्लास जो है ये रूल करेगी सोसाइटी को। ओके तो ये कहा है इलीटिस्ट थ्योरी में। एंड मैं आपको बता दूं, देयर आर सर्टन थिंकर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला हमारे पास नाम आता है विल्फ्रेडो पेरेटो, पेरेटो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक और नाम हमारे पास है रॉबर्ट माइकल, रॉबर्ट माइकल। मैं आपको बता दूं, रॉबर्ट माइकल ने एक आइडिया दिया है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, ये आप याद रखेंगे आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। एंड इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूं यहाँ पे कि एक और थिंकर हमारे पास हैं जिनका नाम है मॉस्का। तो ये मॉस्का, पेरेटो, माइकल एंड वन मोर थिंकर रिगार्डिंग इलिटिस्ट थेरी, दैट इज जोसेफ स्कम्प्टर, जोसेफ स्कम्प्टर। इन्होंने आइडिया दिया है डेमोक्रेटिक इलिटिज्म का, कि इलिटिस्ट थेरी डेमोक्रेसी में वैल्यूएबल है, वैलिड थेरी है। डेमोक्रेटिक इलिटिज्म का इन्होंने आइडिया दिया है, एंड ये कहते हैं कि सोसाइटी में जो इलीट्स हैं वो रूल कर सकते हैं। ओके मैं आपको बता दूं, मासेस को ज़्यादा वोट देने की बात किसने की, जे एस मिल एक थिंकर हैं, इन्होंने कहा कि देयर शुड बी प्लूरल सिस्टम ऑफ वोटिंग, प्लूरल वोटिंग सिस्टम, यानी कि जो ज़्यादा काबिल है उसको एक वोट से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जे एस मिल का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ये नहीं है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 38। अकॉर्डिंग टू हेरोल्ड लास्की राइट्स आर डैश, तो राइट्स को किस तरह से लास्की ने डिफाइन किया है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे लास्की ने पावर को, सॉरी राइट्स को डिफाइन किया है ऑप्शन नंबर बी जो आप देख पा रहे हैं, दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। तो राइट्स कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनके बगैर आप अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से डेवलप नहीं कर पाते और आप अपना बेस्ट नहीं दिखा सकते। सो राइट्स आर दोज कंडीशंस, तो ये लास्की की डेफिनेशन है, आप ये याद रखेंगे। इनकी एक किताब भी है, दैट इज़ स्टेट इन थेरी एंड प्रैक्टिस, ये लास्की की किताब है, इम्पोर्टेंट किताब है, स्टेट इन थेरी एंड प्रैक्टिस। किताबों के नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किताबों के नाम एज इट इज़ पूछे जाते हैं, तो ये लास्की की किताब आप नाम याद रखेंगे, स्टेट इन थेरी एंड प्रैक्टिस। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 39, दैट इज़ हु हैज़ आर्ग्यूड फॉर प्लेटोज रिपब्लिक दैट बर्न ऑल द लाइब्रेरीज फॉर देयर लाइज द वैल्यू इन दिस बुक। तो ये कोट पूछा गया है डायरेक्टली प्लेटो की किताब के रिगार्डिंग, किसी थिंकर का ये कोट है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इमर्सन, तो असल में इनका पूरा नाम है रेल्फ वेल्डो इमर्सन, रेल्फ वेल्डो इमर्सन। तो इन्होंने प्लेटो के रिपब्लिक के रिगार्डिंग बोला है, रिपब्लिक एक किताब है जो प्लेटो ने लिखी है एंड जिसमें इन्होंने जस्टिस का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया है। ओके क्योंकि यू नो रिपब्लिक का जो सब टाइटल है वो है कंसर्निंग जस्टिस, ये भी आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, कंसर्निंग जस्टिस रिपब्लिक का सब टाइटल। ठीक है चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40, प्लेटोस कम्युनिज्म इज मेंट फॉर। मैंने आपको बताया कि प्लेटो ने जब आइडिया ऑफ जस्टिस दिया तो उन्होंने कहा कि तीन कैटेगरीज में उन्होंने लोगों को बांट दिया, एक तो रूलर्स होंगे, एक तो सोल्जर्स होंगे, जस्ट ए सेकंड, सोल्जर्स होंगे एंड एक वर्कर्स होंगे, एंड उन्होंने रूलर्स एंड सोल्जर्स को कहा गार्डियन क्लास, एंड इन्हीं के लिए, इसी गार्डियन क्लास के लिए उन्होंने क्या कहा, कम्युनिज्म होना चाहिए। कम्युनिज्म क्या है कि गार्डियन क्लास ना तो प्रॉपर्टी रख सकती है ना ही फैमिली रख सकती है, क्योंकि ये दो चीज़ें करप्ट करती हैं, गार्डियन क्लास यानी कि रूलर्स एंड सोल्जर्स, ये दो चीज़ें नहीं रख सकते। तो यहाँ पे क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए रूलर्स एंड सोल्जर्स, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, दैट इज़ विच वन इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एरिस्टोटल्स नोशन ऑफ स्लेवरी। तो एरिस्टोटल्स नोशन ऑफ स्लेवरी के रिगार्डिंग करेक्ट कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे सारे करेक्ट हैं, स्लेवरी नेचुरल है, स्लेवरी एक्सपीडेंट राइट है, स्लेवरी जो है ये ग्रीक्स में नहीं होगी, ग्रीक स्लेव्स नहीं होंगे, लेकिन जो बाकी लोग होंगे नॉन ग्रीक्स जो होंगे
वो इंफीरियर रेस से हैं तो वो स्लेवरी करेंगे। तो यहाँ पे तीनों करेक्ट करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है क्योंकि हमें नॉट करेक्ट बताना था, तो यहाँ पे तो सारे करेक्ट हैं, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। और एरिस्टोटल की एक किताब है पॉलिटिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ओके आप ये याद रखेंगे। इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है, आई होप ये आपको पता होगा, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो मैं आपको बता दूं, एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स की, बहुत सारी गवर्नमेंट्स की क्लासिफिकेशन की उन्होंने, एंड वो इस यू नो रिजल्ट पे पहुंचे कि देर आर टू काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स, प्योर एंड इम्प्योर, प्योर एंड इम्प्योर, यानी कि करप्ट एंड प्योर, इम्प्योर को आप करप्ट भी बोल सकते हैं। तो प्योर में उन्होंने रखा मोनार्की को, एरिस्टोक्रेसी को एंड पॉलिटी को। करप्ट में उन्होंने रखा मोनार्की का अपोजिट होता है टायरनी, ओलिगार्की, और एरिस्टोक्रेसी का अपोजिट होता है ओलिगार्की, डेमोक्रेसी का करप्ट फॉर्म है पॉलिटी का करप्ट फॉर्म है डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे आप देख लेंगे बैड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा ओलिगार्की। देखिए मोनार्की होता है रूल ऑफ वन, आप याद रखेंगे सिंगल रूलर जब है, और एरिस्टोक्रेसी है रूल ऑफ फ्यू एंड पॉलिटी है रूल ऑफ मैनी। तो जब ये होगा तो मतलब कि करेक्ट प्योर फॉर्म है, करप्ट नहीं है, अगर ये तीन होंगे तो ये करप्ट है, आप ये याद रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 43 हमारे पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया ऑफ मैकियावेली अर्नड हिम द टाइटल ऑफ बीइंग द फाउंडर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स। तो मॉडर्न पॉलिटिक्स का फाउंडर कहा जाता है मैकियावेली को, एंड इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको मॉडर्न ऑफ यू नो मॉडर्न पॉलिटिक्स का फाउंडर कहा जाता है, तो सेक्युलरिज्म का आइडिया, क्योंकि इन्होंने क्या किया, स्टेट और रिलीजन को सेपरेट किया, स्टेट एंड रिलीजन को सेपरेट किया इन्होंने, एंड इन्होंने ये भी कहा कि स्टेट और मोरालिटी भी सेपरेट चीज़ें हैं, एंड जो किंग होता है उसकी एक अपनी मोरालिटी भी है, देर आर टू काइंड्स ऑफ मोरालिटीज, एक मोरालिटी जो पब्लिक की है एंड एक मोरालिटी जो किंग की है। अगर किंग कुछ रॉन्ग भी कर रहा है एंड उस रॉन्ग से क्या हो रहा है कि स्टेट बच रहा है, स्टेट प्रोटेक्ट हो रहा है, तो उसको हम बैड डिसीजन यानी कि रॉन्ग डिसीजन नहीं कहेंगे। सो किंग्स मोरालिटी इज डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक मोरालिटी, ओके, एंड स्टेट रिलीजन को भी इन्होंने डिफरेंशिएट यानी कि सेपरेट करने की बात की। सो दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स, एंड सेक्युलरिज्म के आइडिया से इसको ये कहा जाता है। एंड प्रिंस इनकी एक इंपॉर्टेंट किताब है, ये आप याद रखेंगे, ओके चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। 44 हमारे पास है, हू साइंटिफिक मेथड इन्फ्लुएंस्ड हॉब्स कंस्ट्रक्शन ऑफ लिवेथियन। तो मैं आपको बता दूं, लिवेथियन की जब बात करते हैं, हॉब्स, ये एक किताब लिखी है हॉब्स ने, एंड मैं आपको बता दूं कि लिवेथियन का मीनिंग होता है कि सी मॉन्स्टर। अब यहाँ पे सी मॉन्स्टर पे तो ये बात नहीं कर रहे होंगे, ये असल में क्या बोल रहे हैं कि जो सॉवरन होगा यानी कि रूलर होगा वो सी मॉन्स्टर की तरह उसको पावर्स होने चाहिए। जिस तरह से सी मॉन्स्टर सी में यू नो बहुत पावरफुल होता है, सबसे पावरफुल होता है, इसी तरह से सॉवरन यानी कि रूलर, रूरल भी कम्प्लीटली पावरफुल होना चाहिए, उस पर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो ये लिवेथियन का कॉन्सेप्ट है, ओके, रूलर मस्ट बी लाइक द लिवेथियन। तो अब यहाँ पे ये लिवेथियन का आइडिया कहाँ से इन्होंने कहाँ से ये साइंटिफिक मेथड इन्होंने अडॉप्ट किया, तो गैलीलियो से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे ये आप याद रखेंगे। एंड हॉब्स एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर भी हैं, आप ये याद रखेंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर। एंड एब्सोल्यूट सॉवरनिटी का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया। एब्सोल्यूट सॉवरनिटी मीन्स, जैसे मैंने आपको बताया, सी मॉन्स्टर एब्सोल्यूट होता है, पावरफुल होता है सबसे ज़्यादा, इसी तरह सॉवरन भी एब्सोल्यूटली पावरफुल होना चाहिए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 44। 45 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर। तो हॉब्स ने जब स्टेट ऑफ नेचर की बात की, तो स्टेट ऑफ नेचर क्या है, देखिए मैंने आपको बताया सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, देखिए स्टेट बना है, एक थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसमें कहा गया है कि स्टेट जो है कॉन्ट्रैक्ट से बना है, एग्रीमेंट से बना है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से पहले क्या था, स्टेट ऑफ नेचर था, एंड स्टेट ऑफ नेचर के बाद कॉन्ट्रैक्ट हुआ एंड स्टेट बना। तो स्टेट ऑफ नेचर में क्या
था, क्या फीचर था हॉब्स के अकॉर्डिंगली, हमें ये बताना है, नहीं हमें ये बताना है कि कौन सा नहीं था। मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या है कि करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास है ऑप्शन नंबर जो आप देख पा रहे हैं बी। जस्ट ए सेकंड गाइस, नॉट बी, सी ऑप्शन जो है, सॉरी सी ऑप्शन जो है हमारे पास ये करेक्ट है। द कंपटीशन अमंग पीपल हाउएवर इज लिमिटेड, तो स्टेट ऑफ नेचर में लिमिटेड कंपटीशन नहीं थी, कंपटीशन बहुत थी। इसी में यू नो हॉब्स कहते हैं माइट इज राइट, माइट इज राइट वाली सिचुएशन थी यहाँ पे, जंगल रूल था आप ऐसे समझेंगे, एंड हर कोई एक दूसरे को मारने की यू नो सोच रहा था। तो यही जो है ये फीचर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन लिमिटेड नहीं थी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा थी। बाकी तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर हुम द स्टेट ऑफ नेचर इज टू बी अ स्टेट ऑफ लिबर्टी येट इट इज़ नॉट अ स्टेट ऑफ लाइसेंस, तो ये कहा है जॉन लॉक ने। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि स्टेट ऑफ लिबर्टी का ये मीनिंग बिल्कुल नहीं होगा कि स्टेट ऑफ लाइसेंस है, यानी कि आपको पूरी तरह कंप्लीट फ्रीडम दे दी है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। स्टेट ऑफ नेचर जो है स्टेट ऑफ लाइसेंस नहीं था, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में क्या था, स्टेट ऑफ नेचर में कोई अथॉरिटी नहीं थी। स्टेट ऑफ नेचर क्या था, स्टेट बनने से पहली सिचुएशन जो थी उसको स्टेट ऑफ नेचर कहा गया है। एंड स्टेट ऑफ नेचर में क्या था कि लिबर्टी यू नो स्टेट ऑफ लाइसेंस नहीं था, स्टेट ऑफ लिबर्टी तो था, सब लोग वहाँ पे क्या थे, सब लोगों को लिबर्टी थी। आप ये याद रखेंगे कि लॉक जो हैं, हॉब्स जो हैं हमारे, एंड रोसो जो हैं, ये तीन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज ने मैंने आपको बताया, एंड सब ने स्टेट ऑफ नेचर को डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया है। तो इसलिए यहाँ पे अब हम लॉक के स्टेट ऑफ नेचर की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ नेचर में ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नहीं थे, ओके, अकॉर्डिंग टू लॉक स्टेट ऑफ नेचर में ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नहीं थे, कन्फ्लिक्ट जो थे माइल्ड थे, एंड इट वॉज स्टेट ऑफ पीस। बट क्या था कि लोगों के पास लिबर्टी तो थी लेकिन लाइसेंस नहीं था, लोग ऐसा नहीं कि किसी को भी मार सकते थे, तो इस तरह से नहीं था, लिबर्टी थी बट लाइसेंस नहीं था, ओके। सो यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन इसका हो गया। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू रूसो जनरल विल इज नॉट, तो जनरल विल का क्या मीनिंग है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ क्या मीनिंग नहीं है नॉट। अब हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखना कि कभी कोई नॉट आ जाता है, हमें नॉट दिखता नहीं है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि जनरल विल जो है विल ऑफ मेजॉरिटी नहीं है, जनरल विल है विल ऑफ ऑल, यानी कि रियल विल सबकी जो होगी, रियल विल जो होगी सबकी, रियल विल को यू नो मिक्स करके जनरल विल बनती है। रियल विल वो है जिसमें हम अपना सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं देखते, क्योंकि दो तरह की विल है, एक है एक्चुअल विल जिसमें आप अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख रहे हैं, दूसरी है रियल विल जिसमें आप अपनी हम पूरी सोसाइटी के इंटरेस्ट के बारे में देख रहे हैं। एंड जब पूरी रियल मिल सबकी रियल मिल्स मिल जाएंगी तो जनरल विल बनेगी, लेकिन जनरल विल ऑफ मेजॉरिटी नहीं होगी। तो ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हमें नॉट बताना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 48, दैट इज़ हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूड, ये दो बार फॉलोइंग हो गया है तो आप इसको देख लेना, ये दो बार हो गया है फॉलोइंग, दैट इंडिविजुअल्स विल ओबे द स्टेट बिकॉज द प्रोबेबल मिसचीफ्स ऑफ ओबीडियंस आर लेस देन द प्रोबेबल मिसचीफ्स ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये कोट किसका है, तो मैं आपको बता दूं ये कोट हमारे पास है ऑप्शन नंबर, आप यहाँ पे जो बी देख पा रहे हैं, जेरेमी बेंथम, ये बेंथेनी नहीं है, ये बेंथम है, ओके, ये आप याद रखेंगे जेरेमी बेंथम, तो ये इनका कोट है। एंड मैं आपको बता दूं यूटिलिटेरियन फिलॉसफी जो है इन्होंने, ये फाउंडर हैं उसके, यूटिलिटेरियन फिलॉसफी आप ये याद रखेंगे, ओके। यूटिलिटेरियन फिलॉसफी में क्या था, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ये कोट आप याद रखना, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ये आप याद रखेंगे, ये जेरेमी बेंथम ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 49 हमारे पास है, तो फेमस नोशन ऑफ हार्म प्रिंसिपल, ये हार्म प्रिंसिपल किसने दिया है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है जे एस मिल ने हार्म प्रिंसिपल दिया। ये कहते हैं कि भाई एक हमारा है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, दूसरा हमारे पास है अदर रिगार्डिंग एक्शंस।
तो यहाँ पे क्या है, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में इंडिविजुअल को कंप्लीट फ्रीडम है, लेकिन जब इंडिविजुअल का सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन अदर रिगार्डिंग एक्शन बन जाता है, यानी वो किसी और को भी इफेक्ट कर रहा है। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है कि आपका एक्शन आपको ही इफेक्ट कर रहा है, लेकिन अदर रिगार्डिंग एक्शन है कि आपका एक्शन किसी और को भी इफेक्ट कर रहा है। तो अदर रिगार्डिंग एक्शन में क्या हो जाएगा, हार्म प्रिंसिपल का यूज़ होगा कि भाई कोई और भी हार्म हो रहा है तो इसलिए आपकी लिबर्टी पे रिस्ट्रेंट्स लगाई जाएंगी। तो ये JS मिल का कॉन्सेप्ट है, आप ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 50 है। कार्ल मार्क्स बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास फ्रॉम, तो क्लास का कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स ने किन से बोरो किया आपको मैं बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन है सेंट साइमन। ओके, सेंट साइमन से इन्होंने बोरो किया है क्लास का कॉन्सेप्ट। एंड आपको पता है कि कार्ल मार्क्स ने बहुत सारी इन किताबें लिखी हैं, मैं आपको बता दूँ एक किताब इनकी है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो इम्पोर्टेंट है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। एंड एक और किताब है इनकी कैपिटल, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और चीज आप याद रखेंगे, हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथर्टो सोसाइटी इज हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, ये इनका एक कोट है, हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथर्टो सोसाइटी इज हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51, मैंने आपको कहा है कि हमारे पास 51 क्वेश्चन जो है ये क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ डायनेमिक प्रोसेस, Who among the following is defined as a dynamic process through which information about the performance of the system is communicated back to the system in such a way as to affect the subsequent behavior of the system? तो मैं आपको बता दूं, डेविड ईस्टन ने एक कॉन्सेप्ट दिया सिस्टम एनालिसिस का, डेविड ईस्टन ने कॉन्सेप्ट दिया सिस्टम एनालिसिस का, सिस्टम एनालिसिस। इसमें इन्होंने कहा कि एक इनपुट फंक्शन है, एक आउटपुट फंक्शन है। इनपुट फंक्शन है कि जो लोग डिमांड कर रहे हैं, आउटपुट फंक्शन है को जो स्टेट फिर उन डिमांड को पूरी करने की कोशिश कर रहा है। इन दो में एक चीज़ है जिसको फीडबैक है, यानी कि इनपुट आपने दिया, आपने डिमांड की, स्टेट ने उसको एक्शन करके पूरा किया, आप उस डिमांड से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं, वो आप फीडबैक देंगे। सो यही पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन सा प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन जो है परफॉर्मेंस किसी सिस्टम की कम्युनिकेट की जाती है वापस उस सिस्टम को, तो फीडबैक जब दी जाती है लोगों के द्वारा गवर्नमेंट को कि भाई हाँ इस एक्शन से हम हैप्पी हैं या नहीं है, तो इस तरह से आप ये याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 52, मैंने आपको बताया है कि ये 52 हमने ड्रॉप किया है, ये आप ध्यान में रखेंगे, इसके जैसे ही मुझे आंसर मिलते हैं तो आपको मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू डाइसी ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम बिकॉज, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है सुप्रीम है क्योंकि वो किसी भी लॉ को बना सकता है या तो हटा सकता है, एंड कोई भी पर्सन जो है किसी भी लेजिस्लेशन को ओवरराइड नहीं करेगा, यानी कोई भी पर्सन किसी भी लॉ को ओबे करेगा, उसको वॉयलेट नहीं करेगा। एंड जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का लॉ है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के ब्रिटिश टेरिटरी के हर पार्ट पे है, तो ये ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तीनों ऑप्शन हमारे पास हैं सही हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है बहुत पावरफुल है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 54 हम देख लेते हैं, 54 हमारे पास है, 54 इज द फ्यूजन ऑफ पावर इज ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल सिस्टम, तो पॉलिटिकल किस पॉलिटिकल सिस्टम में फ्यूजन ऑफ पावर होता है, तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है, इसमें आपको पता है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव का पावर फ्यूज होता है, मिक्स्ड होता है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर का पावर जो होता है फ्यूजन होती है, मिक्स्ड होता है, एंड एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, बट प्रेजिडेंशियल फॉर्म में एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे है, USA में है, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 55 हमारे पास है, व्हाट डज द टर्म स्विंग मीन्स इन वोटिंग, तो वोटिंग में स्विंग का मीनिंग यही है कि जब जो वोटर्स हैं वो अपने वोटिंग को स्विच करते हैं, ओके, व्हेन वोटर इज स्विचिंग द प्रेफरेंस ऑफ हिज वोट्स, तो यहाँ पे 55 का ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, परसेंटेज ऑफ वोटर स्विचिंग पार्टीज फ्रॉम वन इलेक्शन टू अनदर, आज आपने एक पार्टी को इलेक्शन दिया, वोट दिया इलेक्शन में, कल उस पार्टी को छोड़ के आपने दूसरी पार्टी को वोट दिया, तो आप स्विंग कर रहे हैं, आप स्विच कर रहे हैं, सो दिस इज स्विंग इन पॉलिटिक्स, ओके। एंड इसके साथ साथ हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 56, दैट इज द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इज यूज्ड इन the following countries, तो first past the post system किस country में use होता है, तो मैं आपको बता दूँ, except यहाँ पे लिखा है, देखें आप except लिखा है यहाँ पे, first past the post कहाँ पे नहीं होता है, Canada में होता है, India में होता है, United States of America में होता है, लेकिन Australia में नहीं होता है, तो ये इसका correct option है, option number D।
फर्स्ट पास द पोस्ट में क्या होता है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट वो डिक्लेयर कर दिया जाता है इलेक्टेड। ओके, जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स जिसको होंगे उसको इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। यहाँ पे आपने सुना होगा कि ये एमएलए इतने हज़ार वोट से जीत गया, तो इट मीन्स कि उसको सबसे ज़्यादा वोट होते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 57। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम वॉज इन्वेंटेड बाय, तो ये किन्होंने इन्वेंट किया ये वोटिंग सिस्टम, तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, थॉम्स हेयर। इन्होंने सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, एंड इंडिया में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी यूज़ किया जाता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में इसको वोट यूज़ किया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इसको यूज़ किया जाता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 हमारे पास है, द आइडिया ऑफ एक्सटेंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम स्टेट सिक्योरिटी टू इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स वॉज फर्स्ट आर्टिकुलेटेड बाय। तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट से हटा के सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल पे जो ये आइडिया है ये किसने लाया, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो आप देख पा रहे हैं कि कमीशन बिठाई गई थी, इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन डिसआर्ममेंट एंड सिक्योरिटी इश्यूज 1982। तो इसी में ये जो फोकस है ये शिफ्ट किया गया स्टेट सिक्योरिटी से इंडिविजुअल सिक्योरिटी तक, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो एज आई टोल्ड यू 52 एंड 59 क्वेश्चन ड्रॉप्ड हैं, जैसे इनके आंसर मुझे मिलते हैं मैं आपको अपडेट करता हूँ, होपफुली कि ये मुझे आज ही मिल जाएं। सो यहाँ पे क्या है, जो द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉर्गेंथो रियलिज्म। तो आपको पता है मॉर्गेंथो के प्रिंसिपल्स हैं रियलिज्म पे जो उन्होंने दिए हैं, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है, यानी कि इनकरेक्ट जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली तो इनकरेक्ट हमें बताना है, लेकिन ये चारों में से करेक्ट कौन आंसर होगा, तो वो है ऑप्शन नंबर ए। तो यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स कैन बी यूज्ड टू जज स्टेट एक्शंस, तो बिल्कुल नहीं, मॉर्गेंथो के अकॉर्डिंगली रियलिज्म में यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स का कोई काम नहीं है, ये आप याद रखेंगे। बाकी नेशनल इंटरेस्ट को पावर के टर्म्स में डिफाइन किया जाता है, पॉलिटिक्स ऑटोनॉमस फेयर है, एंड पॉलिटिकल रियलिज्म जो है ये मॉरल एस्पिरेशंस ऑफ पर्टिकुलर नेशन को रिफ्यूज़ करता है, ये आप याद रखेंगे। और एक और चीज़ इसमें है, इंटरेस्ट इज डायनमिक, ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ जो पॉलिटिक्स है ये ह्यूमन नेचर की वजह से गवर्न किया जाता है, पॉलिटिक्स जो है ह्यूमन नेचर में आप इस तरह से कर सकते हैं कि स्टेट जो है वो ह्यूमन चला रहे हैं, ह्यूमन नेचर इज सेल्फिश, दैट्स व्हाई देयर इज कॉन्फ्लिक्ट, ये मॉर्गेंथो की थ्योरी है रियलिज्म की। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, एंड दिस इज द एंड ऑफ योर क्वेश्चन पेपर 2021। कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड विल कम अप with one video on Western political thought, one video on political theory questions MCQs, and one video on Indian polity, and we'll try to come up with one video on West Indian political thought tomorrow. Okay, so thank you so much, and keep sharing, keep watching. Thank you so much for watching People's Academy.